अमेरिका के चुनावी नतीजों ने नया इतिहास रच दिया है। चार साल पहले राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जिस डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक रूप से कानूनी भंवर में फंसा हुआ देखा जा रहा था, उन्होंने सारे विवादों और आरोपों के बादल को चीरते हुए चुनाव फतह कर लिया है। बता दें कि ट्रंप की इस जीत का दुनिया भर की राजनीति पर असर पड़ेगा, तो ही भारत के लिए भी ट्रंप की जीत के विशेष मायने हैं। ये मायने ट्रंप के पिछले शासनकाल के दौरान मजबूत हुई भारत के साथ दोस्ती को देखते हुए लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्सपोस्ट के बाद ट्रंप को फोन करके भी बताई दी थी। आपको बता दें कि ट्रंप और मोदी दोनों एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त बताते हैं। ट्रंप सरकार के फैसले भी भारत के लिए मुफीद बैठे हैं और इस पर गौर करने की जरूरत है कि ट्रंप की जीत का वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ता है और इससे भारत अमेरिका के रिश्तों को भी कितनी मजबूती मिलेगी। दरअसल अमेरिका में ट्रंप की जीत से भारत में भी खुशी है, उम्मीद भी, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों के चार बड़े स्तंभ हैं। इसी बीच आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर अब बाबा रामदेव का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट विचारधारा राष्ट्रवाद की प्राथमिकता के साथ संरेखित है, जिस पर भारत में भी इसी तरह जोर दिया जाता है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि बाबा रामदेव ने अपने इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर क्या कुछ कहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट और ये विचार राष्ट्रधर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके वो ध्वजवाहक हैं। तो अब पूरी दुनिया में यही नारा गूंज रहा है कि अपने देश को सर्वोपरि मान करके जो आगे बढ़ेगा वही राजनीति करेगा, वही शासन करेगा, वही कुछ नया इतिहास गढ़ेगा। इसलिए राष्ट्रवाद के इस नए दौर का स्वागत है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। वो अमेरिका और अमेरिकी फर्स्ट का जो नारा लेकर के चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो कई प्रकार के आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन के एक नए स्वप्न सजोए बैठे थे, मुझे लगता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो विजय पाई है वो जरूर सोचेंगे, अपने विचार, अपने जो उनके चिंतन है उस पर भी वो जरूर मंथन करेंगे, उसमें करेक्शन करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की जीत को अमेरिकी इतिहास में किसी नेता की सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी का करार दिया जा रहा है और अमेरिकी चुनावों के नतीजे पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में रूसी नेता ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो वहीं ब्लैक सी रिसोर्ट सोची में भाषण के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप ने कहा था कि वो रूस के साथ बेहतर संबंध और यूक्रेन संकट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेरी राय है कि उन्हें कम से कम इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, तो उनका कहना है कि मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, एक राष्ट्रपति के रूप में वो क्या करेंगे ये उनका निजी मामला है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।